हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे गेम में स्वागत है। आज हम देखेंगे स्ट्रेच फ्रॉम एंड मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेच। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ डोर है, वो यहाँ से अराउंड 1 फीट दूर है कॉर्नर से। अभी मुझे इस डोर को 2 फीट 6 इंच मूव करना है कॉर्नर से। अभी क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी पुल नहीं है, अभी आप इसको मूव करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये पूरा ऐसे मूव होगा क्योंकि ये पुल नहीं है। सपोज मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। सपोज 1 फीट और 6 इंच मूव करेगा। अभी यहां पे क्या प्रॉब्लम होगा कि ये मूव तो हो जाएगा, लेकिन ये जो लाइन है वो कनेक्ट नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रेच कमांड देना पड़ेगा, कितना पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मैं मूव कर रहा हूं, कितना करना है, तो 1 फीट 6 इंच। तो आप देखेंगे वॉल के साथ डोर स्ट्रेच हो गया। अभी आप देखेंगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस 2 फीट 6 इंच आ जाएगा। वापस सपोज हमने 1 फीट 6 इंच करना है, वापस स्ट्रेच कमांड, कितना पार्ट आपको सिलेक्ट करना है, फिर बेस पॉइंट और यहां पे शिफ्ट करना है 1 फीट 6। सेम यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे विंडो है। अगर आप इसको मूव करेंगे तो विंडो तो मूव हो जाएगी, लेकिन वॉल वहां पे ही रहेगी। अभी यहाँ पे 5 फीट 6 इंच है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सपोज हमें 3 फीट कर देना है, तो यहाँ पे मैं 2 फीट 6 इंच ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 फीट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप स्ट्रेच का यूज करते हैं। अभी सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है 1 फीट 6 इंच और हमें 3 फीट 2 इंच पे मूव करना है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो स्ट्रेच में जाना है, सिलेक्ट, बेस पॉइंट लेना है, फिर आपको यहां पे टाइप करना है फ्रॉम बेस पॉइंट, कहां से मूव करना है, तो यहां से मूव करना है, इस पॉइंट से कितना मूव करना है, तो 3 फीट 2 इंच। तो फ्रॉम का मीनिंग क्या है कि कोई पॉइंट से आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करना है तो कर सकते हैं। सपोज हमें 1 फीट और 9 इंच पे लाना है, अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो स्ट्रेच बेस पॉइंट पहले लेना है, फिर फ्रॉम टाइप, फिर इस पॉइंट से कितना लाना है, तो 1 फीट 9। तो इस टाइप से आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। वैसे यहां पे भी आप फ्रॉम ले सकते हैं। सपोज 3 फीट है, हम ऑड फिगर के ले लेते हैं, सपोज 2 इंच और कर लेते, तो 3 फीट 2 इंच है। सपोज हमें 5 फीट और 6 इंच पे लाना है फ्रॉम 5 फीट 6 इंच, तो वहां पे वो आ जाए स्ट्रेच फ्रॉम 2 फीट 9 इंच। तो इस टाइप से आप पर्टिकुलर जगह से कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और डिस्टेंस देके फ्रॉम का यूज करते हैं। अभी ये सपोज टोटल डिस्टेंस है 15 फीट, सपोज हमें 13 करना है, तो स्ट्रेच 2 फीट हम कर देते हैं, 13 हो जाएगा। सपोज 6 इंच हम यहां पर ले लेते हैं। अभी सपोज हमें क्या करना है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 11 फीट और 7 इंच करना है। अभी उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है, तो स्ट्रेच फ्रॉम इस पॉइंट से करना है, कितना रखना है, 11 फीट और 7 इंच, तो उतना आ जाएगा फ्रॉम
10 फीट और 3 इंच तो हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। वैसे ही मुझे कोई ऑब्जेक्ट को बीच में रखना है, मिडल में। अब ये जो विंडो है वो बीच में नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेच में जाना है, बेस पॉइंट लेना है, फिर आपको टाइप करना है M2P या तो MTP। M2P भी लिख सकते हैं और MTP भी लिख सकते हैं। उसमें जाके आपको क्या करना है कि ये जो आपने बेस पॉइंट लिया है वो किन दो पॉइंट का सेंटर रखना है। तो फर्स्ट ये पॉइंट है, सेकंड ये पॉइंट है, तो डायरेक्ट उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। वापस एक बार स्ट्रेच, ये बेस पॉइंट लेना है, फिर MTP भी ले सकते हैं या तो M2P भी ले सकते हैं। उसमें आपको दो पॉइंट लेना है, तो डायरेक्टली उसका मिड पॉइंट वहां पे आ जाए। सपोज यहां पे दो स्क्वायर है, उन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन बनानी है, पर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, तो लाइन कम है, फिर M2P लिखना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो लाइन वहां से स्टार्ट होगी, फिर वापस M2P, एक पॉइंट और एक पॉइंट, तो जो आप डिस्टेंस देखेंगे वो सेम रहेगा। लाइन है और एक लाइन यहाँ पे, अभी हमें दो लाइन ऐसी बनानी है, एक लाइन ऐसी बनानी है जो इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी और इन दोनों के मिड पॉइंट पे एंड होगी, तो लाइन M2P यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वापस M2P, अभी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मिड पॉइंट पे वो लाइन का एंड होगा और यहाँ पे स्टार्टिंग। वैसे ये डोर मुझे सेंटर में रखना है, अभी स्ट्रेच ले रहा हूं, और बेस पॉइंट, अभी बेस पॉइंट हमें यहां पे मिल नहीं रहा है, तो यहां पे भी आप M2P लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो आ जाएगा। अभी वो रखना कहां पे, तो वापस M2P, ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेंटर। जैसे आप M2P का यूज कर सकते हैं, वापस कॉर्नर में ले जाना है 1 फीट, तो स्ट्रेच बेस पॉइंट फ्रॉम क्लिक 1 फीट। तो इस टाइप से आप स्ट्रेच कमांड, फ्रॉम ऑप्शन, जो कमांड के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं, वो कमांड नहीं है, कमांड के अंदर आप यूज कर सकते हैं, और M2P या तो MTP वो भी आप कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, तो देखते रहिए हमारे चैनल इजी विकेट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, आपका धन्यवाद, थैंक यू।